बड़ा है। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विभेद लिंग विदा विमाना। गजेंद्र विशेषण बहुत लगा रहा है, किसी विशेष का नाम नहीं। ये नहीं बोलता कि शंकर जी रक्षा करें या राम जी कन्हैया जी ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं बोला है। जब जौ के समान सूंड रही तब बोला, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे विश्व के गुरु, आपको मेरा प्रणाम है। तब भगवान हरि आए हैं, सोंत सरुसर बलेन गृहीत आर्तो। आर्त गजेंद्र को देखा, तंबीक्ष पीड़ित मज सहसावतीर्य। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गज और ग्राह दोनों को पकड़ के उज्जहार हो भगवान ने बाहर किया। सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन काट दी। और शास्त्र का नियम है, ये हता चक्र धरेण विष्णुनाहा, जो भगवान के सुदर्शन चक्र से मारे गए सारूप्य मुक्ति मिली उन्हें, भगवान जैसा रूप। गजेंद्र रोने लगा, वाह पुकारा, हमने स्तुति हमने की और उद्धार हमारे बैरी का, दुश्मन का, शत्रु का। भगवान ने कहा, गजेंद्र मेरा कुछ ऐसा ही नियम है, जो मेरे पैर पकड़ता उसका उद्धार बाद में करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं शीघ्र कर देता हूँ। अहम प्राणस्य भक्तानाम भक्त प्राणा ममामि च ध्यायन्ति ये च माम नित्यम ताम स्मरामि दिवानिशम। गजेंद्र को ग्राह के बंधन से छुड़ाया परीक्षित। ये चौथे मनवंतर की कथा तामस की। पांचवा मनवंतर है रैवत और छठवा मनवंतर है चाक्षुष मनवंतर। इसी छठवें मनवंतर में समुद्र मंथन की कथा आती है। मंदराचल पर्वत को रई के रूप में लाया गया, बासुकी नाग को नेती डोरी। जैसे ही मंदराचल पर्वत को सागर में रखा, डूबता जा रहा है, भगवान ने कमट का कछुए का रूप लिया, पीठ पर धारण किया। एक बार भगवान की पीठ में खुजली हुई तो लक्ष्मी जी से कहा, थोड़ा खुजलाओ। अब लक्ष्मी जी कोमल हाथों से तो अब खुजली कैसे शांत हो, तो भगवान ने सोचा ऐसे खुजली नहीं मिटेगी, आज कमट का रूप लेकर के मंदराचल पर्वत से पीठ को खुजलवा रहे हैं, बताओ है? कैसे प्रभु। वैसे देखा जाए कोई भी कथा हमसे अलग नहीं है, ये समुद्र मंथन की भी कथा आपकी और हमारी है। समुद्र मंथन क्या है, ये संसार भी एक सागर है, जहां आप और हम हैं यही सागर है। इसमें मंथन चल रहा है। अब आप ये कहेंगे अपने पास न तो बासुकी नाग है, न मंदराचल पर्वत, न रई, न नेती, कैसे मान लें। तो मन है मंदराचल पर्वत, मन रूपी मंदराचल पर्वत को संसार रूपी सागर में रखोगे तो ये डूबता जाएगा, टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। मंदराचल पर्वत कब टिका, जब भगवान ने कमट का कछुए का रूप लिया। आपका हमारा मन भी तब टिकेगा जब किसी संत या भगवंत की शरण ग्रहण करोगे, तब टिकेगा ये मन। एक बात और बोलूं, ध्यान देना, मन की और पानी की बिल्कुल एक जैसी गति है। पानी तुम डालो तो निचान की तरफ, ढलान की तरफ भागता है, जिधर नीचा होगा उधर जाएगा। ऐसे ही मन को तुम जगदीश में लगाना चाहे तो नहीं, जगत की तरफ भागेगा, जगदीश की ओर नहीं, बिल्कुल पानी जैसी गति मन की। पानी को अगर नीचे से ऊपर पहुंचाना चाहते हो, जाता तो ढलान की तरफ है, अगर नीचे से ऊपर पहुंचाना चाहते हो तो कोई ना कोई यंत्र चाहिए, टिल्लू पंप, समरसेबल, जेट, कोई भी कुछ ना? पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, मन को अगर नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। पानी ऊपर से नीचे गिरे तो धारा, और मन नीचे से ऊपर उठे तो धारा का उल्टा कर देना, राधा श्री राधा श्री राधा। मन है मंदराचल पर्वत। अब आप कहें, चलो मन हो गया मंदराचल, तो नैती का है, डोरी का है, जिससे घर्षण हो, मंथन हो। प्रेम रूपी डोरी है नैती। प्रेम होता है तभी तो मंथन आगे बढ़ता है। तो मंथन में सबसे पहले क्या निकला, विष, जहर। किसने धारण किया, भगवान शंकर ने।
आपके हमारे जीवन के मंथन में भी पहले विष आएगा, कठिनाइयां आपत्तियां विपत्तियां संकट क्लेश दुख, पहले मंथन में विष जहर। और जहर को धारण किसने किया? शंकर जी ने। कैसे धारण किया? न तो बाहर निकाला न अंदर ले गए, कंठ में रोक लिया, नाम पड़ा नीलकंठ। आपके जीवन में कठिनाई आए आपत्ति आए विपत्ति आए तो घबराना मत, न तो बाहर निकालो न अंदर, कंठ में रोक लो। किसी से बोलना भी नहीं है कि हम परेशान हैं। अरे कहना है तो ठाकुर जी से कहो, और किससे कहोगे भाई। लेकिन आज के व्यक्ति का संबंध जगत से ज्यादा है, जगदीश से नहीं। घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए बार बार पूछेंगे, बोले जी ठंडा चलेगा कि गर्म है? कपड़े आपके थोड़े गंदे, थोड़ा दे दो साफ कर दे, फ्रेश होके आ जाएंगे। और ठाकुर जी से कभी पूछा कि प्रभु आपके लिए ठंडा चलेगा कि गर्म है? कभी देखा ठाकुर जी आपका अंगोछा बहुत गंदा हो रहा है, थोड़ा है? हम धोके प्रेस करके आपको उड़ा दें, कभी सोचा? इसका मतलब जगत से संबंध ज्यादा है, जगदीश से नहीं। प्रभु से कभी नहीं पूछा किसी ने। अरे डेली उससे बात करो, प्रभु प्रसादी कैसी बनी, कैसी लगे, शाम को मच्छर तो नहीं लगे, गर्मी अधिक तो नहीं थी। जब बार बार आप मेरे प्रभु से बात करोगे तो एक न एक दिन वो बोल देगा, भैया यहाँ मच्छर बहुत हैं, थोड़ी कोई व्यवस्था कर दे। अगर डेली बोलेगा तब बात करनी है तो प्रभु से करो, डेली प्रेजेंट उसके दरबार में, डेली हाजिरी लगनी चाहिए। एक शायर ने कहा बड़ा सुंदर, रोज कहता हूं नहीं आऊंगा घर तेरे, रोज कहता हूं नहीं आऊंगा घर तेरे, लेकिन क्या करूं इस गली में काम निकल आता है। कथा सुनने जाना भाई से नहीं तो काम निकाल के ही चलोगे, थोड़ा चलो है? उसके दरबार में डेली प्रेजेंट, संबंध बनाओ तो जगदीश से, जगत से नहीं। शंकर जी ने इसको धारण किया। या ऐसा समझे आपको कोई गाली दे दे, झगड़ा हो जाए तो गाली रूपी क्या हुआ, ये है विष जहर, गाली विष है। उसने आपको विष दिया, गाली दी, और आपने उसे गाली दे दी तो विष बाहर हुआ, झगड़ा प्रारंभ। या आपको किसी ने गाली दी, आप उस गाली रूपी विष को डकार गए, अंदर पेट तक पहुंचा दी, बोले कोई बात नहीं आज हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, हमारे ने छोरा ड्यूटी पे का उदना आ जाएंगे तो तेरी खुपड़िया फुरवा देंगे, ये भी ठीक नहीं है। न अंदर ले जाओ न बाहर निकालो, कंठ में रोक लो। कल्प वृक्ष निकला, देवताओं ने लिया, कामधेनु गाय निकली देवताओं ने लिया, ऐरावत हाथी निकला इंद्र ने लिया, घोड़ा निकला बल ने लिया, कौस्तुमड़ी निकली नारायण ने ली, धनुष निकला चंद्रमा निकला शंकर जी ने धारण किया। वैसे भागवत में 12 का लेख है, 14 नहीं है। ये भागवत कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं, विद्यापतम भागवते परीक्षा। 14 बोलते बहुत सी बातें ऐसी हैं। कुछ कथावाचक बोलते हैं, बोले शुक्राचार्य जी जल की ट्योटी में बैठ गए, बामन भगवान ने कुसा डाली आई साइड बीक, बिल्कुल गलत बात, ये कथा भागवत में नहीं है। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण के 16108 रानियां थी, और आपसे मैं निवेदन कर दूं 8 पटरानी है, और सुखदेव जी कह रहे हैं 60 सहस्त्र अधिकायुतम, 16000 से कुछ अधिक भौमासुर के यहां से छुड़ाई, 100 का लेख ही नहीं है भागवत में। बहुत सी बात है। लक्ष्मी जी निकली, और लक्ष्मी यहां भी प्रकट हो जाए तो सब यही चाहेंगे कि अपने घर चलें तो बढ़िया है, लक्ष्मी सबको चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी तो वहां जाती हैं जहां उन्हें कोई चाहने वाला नहीं होता। नारायण को वरण किया, स्वीकार। अब की बार धन्वंतर जी महाराज अमृत का कलश लेके प्रकट हुए, राक्षसों ने अमृत का कलश छीन लिया, भाग गए, देवता रोने लगे। भगवान बोले चिंता मत करो, बनायो हरिने बानो मोहनी रूप, मोहिनी हो गए, कोट कंदर पकमनीयम शोभा धाम मनोहरम। अरे जिसके रूप लावण्य पर अनेकों चंद्रमा न्योछावर किए जाएं तब भी बराबरी नहीं कर सकते, आज वो मोहिनी बने तो क्या छटा होगी प्रभु की, आप चिंतन करके देखें। राक्षस लोग अमृत का कलश तो ले गए लेकिन पान नहीं कर पा रहे, अहम पूर्वम न तुमिति तुमिति, प्रभु पहले मैं पीऊंगा, तू मेरे से बड़ा नहीं छोटा है, समर्थ नहीं स्वामी नहीं, मैं पीऊंगा। तो मोहिनी भगवान को जैसे ही देखा आपस में बातें करने लगे, भाई साहब लगता है ये तो लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर है, चलो
जाके बात करते हैं, शायद शादी कर ले। पास में गए, बहन जी आपका परिचय? मोहिनी भगवान बोले तुम्हारा क्या परिचय? बोले वयम कश्यपदायादा भ्रातराकृत पौरुषा, हम कश्यप के पुत्र हैं, अपने भाइयों के साथ पराक्रम किया है तब हमें ये अमृत की प्राप्ति हुई है। आपका परिचय क्या है? मोहिनी भगवान बोले सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कुंसल्यामयी संगता, मैं तो एक विभचारणी नारी हूं। अपने आप को भगवान विभचारणी नारी कह रहे हैं, बताइए। स्वामी एकनाथ जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, जैसे विभचारणी नारी होती है ना, नूतनम नूतनम विचिन्वतम, जैसे नया नया पति खोजा करती है, ऐसे ही भगवान कभी एक भक्त के यहाँ नहीं रहते, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। इसलिए अपने को पुंसल्या में संगता बोल दिया विभचारणी। राक्षसों ने कहा बहन जी हमें ये बंटवारा नहीं हो रहा है, अमृत का कलश है, आप थोड़ा बांट दीजिएगा। बोले लाओ। मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश लिया, बोले देवता तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। तुम्हारे साथ पराक्रम किया, परिश्रम किया? बोले जी तुम्हारे भाई हैं। बोले जी। मोहिनी भगवान ने कहा तो इसमें ऊपर पतला पतला अमृत है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, देवताओं ने तुम्हारे साथ परिश्रम तो किया है? बोले हाँ। अगर तुम बोले तो पतला पतला देवताओं को पिला दूं, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला दूंगी। राक्षस बोले गुड आइडिया मैडम, बोले तो लगा लो लाइन। पंक्ति लगाई गई परीक्षित, मोहिनी भगवान अमृत पिलाते जा रहे। एक राहु नाम का राक्षस भेष बदल के बैठ गया, अमृत पी गया। सूर्य चंद्र ने शिकायत की, सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी, लेकिन मरा नहीं क्योंकि अमृत पी चुका था। एक के दो हो गए, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र संराव के तुभ सर्वे गृह संत करा भवंतु राहु और केतु। आज भी पुराने वैर को याद करके जब सूर्य पर अटैक करते हैं तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र पर करते हैं तो चंद्र ग्रहण। सुखदेव जी तो यहां तक कह रहे हैं, सबके देखते हुए खाली अमृत का कलश लेकर के राक्षसों की ओर भगवान मोहिनी जा रहे हैं, और राक्षस उछलने लगे। बोले भैया अब तो गाड़ो गाड़ो अमृत आए रहे, कलश को फोड़ दियो। और मोहिनी भगवान अंतर ध्यान है गई, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। युद्ध प्रारंभ हो गया, अरे ये तो छलिया था। राक्षस मारे गए, देवता नहीं मरते क्योंकि अमृत पी गए। के कबंदास्तत्र चोत्पेतु पतितस्व सुराक्ष भी उद्यता जोर धूर्दंडो राधा बंतो भटान मृदे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि कबंदास्तत्र चोत्पेतु। कबंद कहते हैं धड़ से, धड़ गर्दन कटी पड़ी है लेकिन कबंद धड़ फिर भी उछल रहे हैं युद्ध में। मारा सिर नहीं है लेकिन फिर भी युद्ध चल रहा है। पतितस्व सराक्ष भी ही, नेत्रों सहित सिर कटे पड़े। सुखदेव जी कह रहे हैं आधावंतो, सिर नहीं है लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं। भुजाएं कटी पड़ी हैं, अस्त्र शस्त्र लिए आयुधा युर दौड़ दंडो। भागवत में तीन प्रकार की भाषा है, ध्यान में, समाधि भाषा, लोकमत भाषा, परमत भाषा। इस श्लोक को समाधि भाषा से देखें तो कबंद किसे कहते हैं, और साधारण बात तो कबंद धड़ को बोलते हैं, धड़ को कहते हैं कबंद। लेकिन समाधि भाषा के द्वारा देखें कि कबंद क्या है। कम कृष्णम बंदनम यस्या सा कबंद, जो कृष्ण बंधन से बंधे हुए भक्त हैं वो है कबंद। बोले भक्त के हाथ में आयुध क्या होता है? बोले झोली माला, झोली माला लिए हुए। पतित सुसराक्ष भी ही, नेत्रों सहित सिर कटे पड़े, इसका मतलब क्या है? भक्त जब अपने इष्ट को प्रणाम करता है तो दंडवत करता है डंडे के समान, तो नेत्र सब पृथ्वी पे लगते हैं कि नहीं? पाए पाए कहीं पाई गुसाई भूतल परे लकुट की माई। ये वहां तो आधा बंतो मीन्स दौड़ रहे हैं, लेकिन यहां सामने विसर्गों को ससुसो रू, विसर्गों को रू होता है व्याकरण के द्वारा,
तो उसमें रजो बचा तो राधा बंतो, जो राधा जी के चरणों के भक्त हैं उनके बारे में। परीक्षित ऐसा युद्ध हुआ कि इस युद्ध में राजा बल भी समाप्त हो गए, लेकिन शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, पुनः चारों तरफ बलि का ही राज्य। देवता फिर घबराए, इधर उधर भागने लगे। देवताओं की माँ अदिति ने कश्यप जी से कहा कि हमारे पुत्रों का राज्य वापिस कैसे मिलेगा। बोले फाल्गुनस्या मले पक्षे द्वादशायम पयोव्रत अर्चेन्द्र विंध्याक्षम भक्त्या परमयन्वित। तुम पयोव्रत धारण करो, फाल्गुन के महीने में 12 दिन दूध पी करके ये व्रत किया जाता है। गर्भ में बामन भगवान आए, और जैसे ही बामन भगवान का प्राकट्य हुआ, बंधु जी तम्बट बामनम दृष्ट्वा मोदमानय महर्षे कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत प्रजापतिम तस्योपनीयमानस्य सावित्री सविता ब्रवीत बृहस्पतिर् ब्रह्म सूत्र मेखलम कश्यपो ददात् ददौ कृष्णाय निर्दंडम सोमो वनस्पति देव क्षत्र जगतपति। कश्यप जी ने मेखला पहना है, अदिति जी ने कोपिन लंगोटी, देव क्षत्र जगतपति आकाश ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषियों ने कुशाका आसन दिया, सरस्वती जी ने पुष्पों की माला पहनाई, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, माँ भवानी ने भिक्षा डाली। और जैसे ही भिक्षा लेकर के बामन भगवान आए, कश्यप जी ने कहा बेटा भिक्षा कम है। तो गुरुजी मैं ये नहीं जानता सबसे बड़ा दानी कौन है। बोले राजा बल नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा है, 99 यज्ञ पूर्ण हो गए, 100 चल रहा है, चले जाओ। जैसे ही बामन भगवान बल की यज्ञ में पधारे, परीक्षित के स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते। बल ने कहा ब्राह्मण देव आपका स्वागत है, कहिए क्या सेवा करूं। अद्य न पितरस्तप्ता अद्य न पावितम कुलम। मुझे ऐसा लगता है आज मेरे पूर्वज भी धन्य हो गए, जैसे कि साक्षात यज्ञ भगवान मेरे यज्ञ में प्रगटे हो। गाम कांचन गुणवत धाम अमृष्टम। गांव लेना चाहे गांव दे दूं, धन दे दूं, शादी करना चाहे ब्राह्मण कन्या के साथ शादी करा दूं, मांगो क्या चाहिए। तो भगवान देख रहे हैं शादी करने से काम नहीं चलेगा, इससे तो सब कुछ लेना है। भगवान ने कहा राजन हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, अगर आपको देना है तो 3 पग भूमि दे दो। सुखदेव जी बोले परीक्षित भगवान 3 पग भूमि तो मांग रहे हैं, लेकिन चालाकी कर गए, सम्मितानी पदामम, 3 पग भूमि तो लूंगा लेकिन आपके पैरों से नहीं, अपने पैरों से नाप के लूंगा, चालाकी कर गए। बल ने देखा है अहो ब्राह्मण दाया दे दया दाचस्ते वृद्ध सम्मता तुम बालो बाल स्मृति स्वार्थम प्रतिबुदो यथ। हे ब्राह्मण दाया, दायाद मीन्स बच्चा, हे ब्राह्मण के बच्चे मतलब अहंकार में बातें करता है तो ऐसा लगता है जैसे पूर्वे साम पूर्वजा बुजुर्गों का बुजुर्ग हो, और मांगता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा टोपी मांग रहा हो। बहुत बड़ा दानी हूं, एक बार मांग लो फिर जीवन में इच्छा नहीं होगी मांगने की। भगवान बोले सुनिए हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीपते। अगर ब्राह्मण असंतोषी है तो नष्ट हो जाएगा, राजा अगर संतोषी है तो नष्ट हो जाएगा। कि सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगिना। वैश्या अगर लज्जावान है तो नष्ट हो जाएगी, और कुल की नारी अगर निर्लज्ज है तो नष्ट हो जाएगी। अरे देना है तो 3 पग भूमि दे दो, संतोषी ब्राह्मण है। शुक्राचार्य जी को कहीं से दिखाई दे गए, दौड़ के आए, बोले ये सब रोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्य कश्यपाद जा तो देवानम कार्य साधक। हे विरोचन पुत्र बलि, ये नंबर 1 का छलिया, इसके चक्कर में मत पड़ जाना, बड़े बड़ों को छला इसने। कश्यप